नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो से हम NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसका फोर्थ चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व के एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इनमें 0.40 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबक के क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? चलिए, इसमें जो वैल्यू दी हुई है उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए क्या क्या हमें दे रखा है, क्लियर करें। हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फेरों की संख्या, एन की वैल्यू हमें दे रखी है 100, रेडियस हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 8 × 10^-2 मीटर पुट कर सकते हैं। धारा की वैल्यू हमें दे रखी है 0.40 एम्पीयर। हमें यहाँ से कुंडली के केंद्र पर चुंबक के क्षेत्र का परिमाण पूछा है, बी कुंडली के केंद्र पर पूछा है। और देखिए विद्यार्थियों, हाँ मैं इनसे रिलेटेड दो एग्जाम्पल भी पहले देख चुके हैं। बी केंद्र पर, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 R। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 4π × 10^-7। एन का जो मान है वो है 100, आई की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 0.40 2 R, और आर का जो मान है वो हमें दे रखा है 8 × 10^-2। तो देखिए यहाँ से मैं यदि पॉइंट हटाऊँ तो 2 0 लग जाएंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया है, और यहाँ से 4 × 4 16 और 8 × 2 16। तो देखिए फाइनली हमें क्या मिलने वाला है, 3.14 × 10^-7 + 2 + 2, तो ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा, 3.14 × 10^-3 टेस्ला। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन।